फ्रेंड्स, गार्डन विद नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और नेचर के साथ मस्त होंगे। आप सब के व्यू देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोगों ने मेरे दोनों व्लॉग बहुत अच्छी तरह पसंद करे हैं। इसी तरह आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेचर के साथ मस्त रहें। आज मैं आपको बोनसाई पॉट बनाना बता रही हूँ। बोनसाई के लिए आप एक राउंड, ओवल, सेरेमिक, टेराकोटा, ग्लास, किसी भी तरह का आप पॉट ले सकते हैं। और इसका सॉयल मिक्स मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया था, उसमें आप कोकोपीट, गार्डन सॉयल, कंक्रीट और वर्मी कंपोस्ट इक्वल रेशो में लेना है। बाकी डिटेल में जो आप देखना है तो आप मेरे फर्स्ट व्लॉग देख सकते हैं। उस प्रकार ये हाफ कर लीजिए। और इसके लिए सबसे अच्छा हिबिस्कस, सॉरी, ये फाइकस प्लांट सबसे अच्छा होता है। फाइकस में रफ़ एंड टफ प्लांट है और इसको ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ये ज़्यादा पानी मांगता है, इंडोर भी चल जाता है या आउटडोर भी। और ये जो मेरा फाइकस का प्लांट है, ये मेरा 3 साल पुराना प्लांट है। ये मुझे 3 साल कटिंग कर करके इसकी, देखो ये स्टेम कितनी मोटी हो गई है। और मैं इसको इसकी जैसे अब कटिंग करूँगी तो वो नीचे लगा दूँगी और फिर जैसे 1-2 साल किसी भी गमले में साइड में लगा देती हूँ, और बड़ा होता है तो अलग करके उसको बोनसाई बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने जैसे इनकी 15 दिन पहले ही कटिंग लगाई है और बारिश के होके, और जैसे मैं ये दिखा देती हूँ कितनी अच्छी इसने रूटिंग पकड़ी हुई है। ये देखिए, ये 15 दिन का प्लांट है। इसी तरह बोनसाई करेंगे हम, साइड से कटिंग करेंगे तो आप इस प्रकार, ये जो मैंने देखिए ये सारी कटिंग जो बच जाती हैं मैं इस प्रकार लगा देती हूँ। और फिर ये थोड़े बड़े होंगे तो सेपरेट पॉट में लगा के और धीरे धीरे कटिंग करके बोनसाई बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ा ज़मीन है, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। जैसे ये लगाया है, ये कटिंग लगाई है, और जब आपको पॉट में शिफ्ट करना हो तो यहाँ पे ये राउंड लगा के कट करके इसकी जड़ें लगा के आप निकाल के बोनसाई आराम से इसको बड़ी अच्छी तरह ये बन जाता है। अब हम फाइकस के प्लांट को लगाएंगे। ये देखिए, अब इसको साइड में कर लिए। नीचे मैंने थोड़ी सी बजरी डाली है ताकि पानी, रेन वाटर बिल्कुल वो होना चाहिए, वाटर ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है। ये लगा लिया। और आगे की तरफ आप कोई भी इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। मैंने फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था आपको स्नेक प्लांट, वो भी आगे आगे वन वन करके लगा सकते हैं, पर मैं अभी इसको थोड़ा आउटडोर रखूँगी। तो मैंने ये गर्जेनिया प्लांट यहाँ पे लगाया है, जरबेरा हो, गर्जेनिया हो, या आप ये अब मेरे यहाँ विनका सदाबहार 20-20 रुपीज़ में हाइब्रिड मिल रही है, तो मैं वो जैसे बाई चांस अब सीजन नहीं रहेगा गर्जेनिया का, मोस्टली तो ये चलता है, फिर मैं विनका भी लगा सकती हूँ। और ये मेरे पास ये गेंदी है, जो इसके फ्लावर के बीज खुद ही हो जाते हैं अपने आप गिरा के, मैं सूखे बीज में डाल देती हूँ और ये मेरी क्यारियों में अपने आप हो जाते हैं। जैसे मैंने सेकंड व्लॉग में बताया था कि मेरे पास पुटूनिया हो गई है देसी, ये वो है, मैं अभी ऊपर से निकाल के लाई हूँ। बाकी इसके छोटे बेबी मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, अब ये सेरेमिक पॉट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, किसी भी नर्सरी से भी मिल जाते हैं, आजकल नर्सरी में भी आने लगे हैं सेरेमिक, और आप ऑनलाइन भी, और नहीं हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ से मैं मंगाती हूँ मैं आपको बता दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी, कुछ भी पूछना हो तो आप फ्रीली कमेंट डाल सकते हैं और आराम से वो पूछ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा खाली रखना है, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने बोनसाई में ऊपर थोड़ी सी मोटी बजरी डालती हूँ, ताकि जब हम वाटरिंग करते हैं फिर वो खाद और मिट्टी बाहर नहीं निकलती है। अब देखिए, मैं आपको ये पूरा घुमा के दिखा देती हूँ। मैंने ये बड़ा पीछे रखा है, आगे स्मॉल रखा है। अगर आप इसको इंडोर रखना है तो स्नेक प्लांट या छोटा फाइकस कुछ भी रख सकते हैं। तो आप जैसे ये आगे छोटा है, ये पीछे बड़ा है, ऐसे ये देखिए, इसका पूरा व्यू देख लीजिए। ये आप कोई भी, मैंने प्लांट
नर्सरी से नहीं लिया है, क्योंकि इसका मदर प्लांट एक बार लिया था उससे ही इनके बेबी बने हैं। अब इसको और गुंजाई जैसे मैंने आपको दिखाया है, मैं ये कट कर देती हूँ, ये इसकी ये स्टिक इतनी साइड से इसके ये निकाले। आप इसको एलोवेरा में डिप करके, एलोवेरा में ये डिप करके ऐसे सीधा ही लगा सकते हैं। ये कटिंग मैं अलग रख लेती हूँ और इससे और भी बहुत अच्छे बुनजाई होंगे। ये 10-15 दिन में दोबारा फिर इसकी रूट निकल आती हैं, टहनियाँ आ जाती हैं इनके अभी 10-12 दिन में, और जितना बुनजाई बनाएंगे उतना छोटा, और ये इसकी स्टेम, ये देखिए ये इसकी स्टेम और मोटी होती जाएगी, घनी चौड़ी और मोटी होती जाएगी। अब इसको डेकोरेट करने की बारी आती है। आज हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक मोटी बजरी लेंगे, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देंगे ब्लैक मोटी बजरी, इससे मिट्टी भी नहीं निकलेगी और ये बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। ये ब्लैक मोटी बजरी के साथ बस हल्की हल्की करनी है, ज़्यादा लेयर नहीं लगानी है, ताकि इसका, क्योंकि हमने जो सॉइल मिक्स बनाया है वो बिल्कुल एरी है, वो उसमें हवा पास होती रहेगी। इसीलिए बजरी डाल के कोई बोलता है इसको अभी 2-3 महीने कोई इसको गुड़ाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोकोपीट है इसमें और ये उससे एयर पास होती रहती है इनकी। ये देखिए अब मैं जहाँ भी जाती हूँ, जैसे गंगा के किनारे या किसी भी रिवर के किनारे, ये स्टोन ले आती हूँ। ये देखिए जैसे ये मैंने एक रख सकते हैं, जैसे आपके पास कोई भी वो डिज़ाइन का शोपीस है, मिनिएचर है, आप कुछ भी ला सकते हैं और इसके ऊपर ऐसे ये, मुझे वैसे ये लाफिंग बुद्धा बहुत पसंद है, मैं ये ज़्यादातर मैं ये देखिए लाफिंग बुद्धा, स्लीपिंग बुद्धा, ये जहाँ पे भी मैं जाती हूँ ये मैं ले आती हूँ। ये देखिए इसे दोस्तों, मैं आगे करके बता देती हूँ, ये देखिए इसे, ये देखिए, ये मुझे ये स्टोन लाने का बहुत शौक है, जहाँ भी मुझे मिल जाते हैं मैं ये ले लेती हूँ स्टोन्स ना। तो ये देखिए, ये देखिए, अब इसको थोड़ी अब वाटरिंग कर देते हैं इसको, क्योंकि ये स्माइलिंग वाव लाफिंग बुद्धा वैसे ही होता है। अगर आपने मंगवाना हो या तो किसी भी ऑनलाइन साइट से मंगा सकते हैं, और नहीं तो जहाँ से मेरे से पूछना हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपने कहीं से भी मंगवाना हो या मुझसे बोल सकते हैं, मैं बता दूँगी कहाँ से मंगवाना है, आपने किस साइट से मंगवाना है। बिल्कुल इनको अच्छी तरह वॉश कर दीजिए। अब जैसे जैसे सनराइज होएगा तो वैसे वैसे ये फ्लावर अपने आप ब्लूमिंग करने लगेंगे। ये अब इसको किसी भी यहीं मेज पे या बाहर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं इसको। अगर स्नेक प्लांट लगा देते हैं या कोई इंडोर और फाइकस आगे लगा देते हैं तो आप इसको, ये देखिए अब ये बाहर है पोटोनिया के भी, जब इसके फ्लावर आ जाएंगे मैं आपको दिखा दूँगी। इसको ऐसे भर भर के वाटरिंग कर दीजिए एक बार तो पूरा फुल अच्छी तरह। ये लाफिंग बुद्धा या ये स्मॉल बुद्धा वैसे ही सब मन को बहुत शांति देते हैं। ये देखिए मेरा पंचा विद लाफिंग बुद्धा, ये दोस्तों एक बार करोगे तो दो बार, छोटा छोटे से स्मॉल से शुरू कीजिए आप, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, धीरे धीरे आप करेंगे। ये जैसे मेरे पास ये मैं इकट्ठे दो पोट लेके आई थी, तो इसको भी हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये देखिए थोड़ा जो पीछे वाले हैं उनको हल्का सा ट्रिमिंग कर सकते हैं ऐसे, और जो ये आगे आ रहे हैं ये भी, क्योंकि दोबारा अभी देख मैंने 15 दिन पहले ही किया था आधी, तो दोबारा ये टहनियाँ अपने आप ही हो गई हैं और इनको हम रिपोर्ट कर देंगे। बस जितना हम करेंगे उतनी ये बुनजाई होती जाएंगी। अब ये जैसे कि मुझे पता है वो है शौक है ये स्टोन्स लाने का, ये देखिए ये लाफिंग बुद्धा यहाँ आ गया, ये देखिए
और अब एक लाफिंग बुद्धा मैं इधर लगा देती हूँ। ये दोस्तों ये देखिए ये स्टोन, ये मुझे गंगा के किनारे से, गंगा माता के किनारे से ये लेके आई हूँ मैं। यहाँ लगा दिया। ये इस प्रकार के ये सब ऑनलाइन मिलता है, कुछ ऑनलाइन भी है, कुछ गिफ्ट शॉप में भी, जहाँ से भी है। और इनको आराम से आप जो भी ये गिफ्ट आइटम है या इनको भी वॉश कर सकते हैं। ये आउटडोर के लिए ही है। अब देखो सनराइज हो गया है, अब ये ब्लूमिंग करने लग गई है। शाम तक ये पूरा अच्छा ये कर ब्लूमिंग कर लेगी। ये देखिए दोस्तों ऐसे भर भर के पानी दीजिए इनको, भर भर के। और ये आप कितने भी है जैसे कुछ भी आइटम, कुछ भी गिफ्ट, गाय हो, बुद्धा हो, कुछ भी, मैंने इन दोनों में ही ये लगा दिया है। ठीक है, यहाँ आ सकते आप कहीं भी कैसे भी ये करके स्टोन ये लगा सकते। ये देखिए दोस्तों ये बन गया है आज के बुंजाई।